गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू डेली बाग एरिया में आज मैं आपको इस वीडियो में अगले फाइव से लेकर टेन मिनट्स में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट राइनोप्लास्टी कि राइनोप्लास्टी में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कैसे रिकवरी होती है क्या इसकी कॉस्ट आती है और कौन कौन से प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं देखिए राइनो का मतलब है राइनो मतलब नोज़ प्लास्टी मतलब उसकी प्लास्टिक सर्जरी तो राइनो और नोज जॉब का मतलब है कि आपके नोज की प्लास्टिक सर्जरी तो नोज़ की कोई भी अगर कॉस्मेटिक सर्जरी होगी या कोई भी प्लास्टिक सर्जरी होगी उसका मतलब है राइनो अब राइनो में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वैरिड है तो सबसे पहले आपको अगर अपनी नोज़ को अगर अच्छा बनाना है खूबसूरत बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको अपनी नाक में क्या चीज़ ख़राब लगती है जैसे किसी की नाक ऊपर से जो है ब्रॉड होती है उसको ऊपर से थिन करा रहे है, जिसको बोलते हैं डॉटसम या किसी की इधर से जो है ना बल्बस टिप है उसको जो है ना पतला कराना है किसी के आला काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब वाइड है तो उसको आपको जो सब मतलब जो पतला कराना है या आपकी की नाक सीधी नहीं है थोड़ी सी ट्विस्टेड है तो बेसिकली जो जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो हम चार पांच हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है नाक के ऊपर का हिस्सा इसको या तो आपको स्लिम करवाना है और अगर आपको मोटा करवाना है सेकेंड चीज़ मतलब जो आपकी पूरी नाक या तो अंदर धंसी हुई है और थोड़ी उभरी हुई है जैसे किसी किसी की नाक जैसे कुछ कुछ की थोड़ी सी अंदर की की तरफ होती है आगे की तरफ नहीं आ रही होती है और किसी की नाक बहुत ज्यादा आगे होती है तो उसको थोड़ा सा पीछे करना होता है तो अगर इधर से चाहे ब्रॉड है चाहे चाहे इधर से आगे अगर इधर से ज्यादा ब्रॉड है तो भी वो एकदम थोड़ी सी पतली हो जाती है अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी नाक छोटी लगती है तो वो थोड़ी चौड़ी भी हो सकती है अगर आपकी इधर से नाक बहुत आगे है तो वो भी पीछे हो सकती है और अगर बहुत पीछे है तो वो भी आगे हो सकती है तो ये सबसे फर्स्ट कॉम्पोनेंट है जिसको बोलते हैं नाक के ऊपर का हिस्सा और जो बोनी फ्रेमवर्क सेकेंड थिंग जो मतलब इम्पॉर्टेंट है वो है ये आपकी बल्बस टिप ठीक है किसी की टिप जो है वो थोड़ी नीचे की की तरफ है जिसको बोलते हैं पैरट टिप किसी की थोड़ी सी ऊपर की तरफ है जिसको बोलते हैं हुडेड टिप या किसी की बहुत ही बलबस टिप है जिसको बोलते हैं मोटी वाली टिप तो अगर आप अपनी टिप को थोड़ा फाइन करवाना चाहते हो तो ना वो भी पॉसिबल है अगर आपकी नीचे जो है पिजन टाइप मतलब हो गई है तो ना वो भी ठीक हो जाएगी अगर आपकी थोड़ी सी हडेड टिप है तो वो भी ठीक हो जाएगी तो अगर आपकी कोई भी इसमें मतलब प्रॉब्लम है तो वो हम लोग ठीक कर सकते हैं थर्ड कॉम्पोनेंट है आला फ्लेयरिंग जैसे किसी किसी पेशेंट का जो जो आला होता है वो एक साइड का छोटा एक साइड का मतलब जो है बड़ा होता है अगर आपको दोनों का सिमेट्रिकल कराना है तो वो भी पॉसिबल है किसी पेशेंट्स का बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर्ड अप होता है मतलब दूर दूर जो आपका आला होता है तो उसको भी हम अंदर ला के थोड़ा छोटा करवा सकते हैं अगर आपको बहुत छोटा लगता है तो वो भी थोड़ा सा जो है ब्रॉड हो सकता है तो आला का भी जो भी मॉडिफिकेशन है वो भी नाइनोप्लास्टी में पॉसिबल है जो फोर्थ कॉम्पोनेट मतलब जो फोर्थ कॉम्पोनेंट होता है वो होता है आपका नोस का जो डायरेक्शन

भी आपको नाक में कॉस्मेटिक इश्यूज आते हैं तो वो आप अपने आप को शीशे में देखिए अपनी फोटोग्राफ्स खींचिए अलग अलग एंगल से उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको नोज में क्या करवाना चाहते हैं अब सेकंड को सवाल ये होता है कि जो इसका प्रोसीजर होता है वो कैसे किया जाता है और उसकी कैसे रिकवरी होती है तो ये जो प्रोसीजर है ये जर्नल एनेसीजा में किया जाता है इसका मतलब है कि बेहोश करके ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा वैरी करता है जैसे कि मैंने आपको बताया एक घंटे की सर्जरी से लेकर छः घंटे तक की सर्जरी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके नोज़ में कितना ज़्यादा काम करवाना है तो तो जो जो भी आपको काम करवाना है उस हिसाब से ड्यूरेशन और सर्जरी बढ़ जाएगी आप मॉर्निंग में आते हैं सर्जरी होती है शाम को आपका डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद आपको एक निजेस स्प्लिंट हम लोग मतलब पहना के भेजते हैं स्प्लिंट का मतलब होता है नूस का प्लस्तर तरीके का तो एक सफ़ेद रंग का छोटा सा प्लस्तर होगा जो किसी भी माइक्रोपोर से या किसी डायनाप्लास्ट टेप से वो यहाँ पर अटैच होगा जो करीब करीब हफ्ते से लेकर दस दिन तक रहता है कभी कभी फोर्टीन टू फिफ्टीन डेज भी रहना होता है अगर हमने बहुत ज़्यादा बोनी फ्रेमवर्क को छेड़ा है इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो होती है इसकी स्वेलिंग नाक पे आँखों के के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग हो जाती है जिसको ठीक होने में करीब करीब हफ्ता से लेकर पंद्रह दिन भी लग सकते हैं तो इसलिए जब भी आप रेनोप्लास्टिक कराएं तो आपके हाथ में कम से कम पंद्रह बीस दिन होने चाहिए उससे पहले आप कोई भी सोशल अपेयरेंस नहीं कर पाएंगे अगला इसमें है कि आपके फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा तो फाइनल रिज़ल्ट आने में कम से कम एक से लेकर तीन महीने भी लग जाते हैं शुरू शुरू में आपकी स्वेलिंग रहेगी फिर स्वेलिंग कम होगी हम आपको मसाजेस वगैरह बताएंगे जैसे आपकी मसाजेस होंगी, फिर आपका धीरे धीरे नोज का शेप आते आते टू से लेकर थ्री मंथ्स भी लग जाते हैं तो इसलिए अगर आपकी खुद की शादी या आपके घर पर कोई इवेंट है तो आप टू से लेकर थ्री मंथ्स के पहले ही रेनो कराएं तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगा अगला सवाल है कि इसका जो साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट राइनोप्लास्टी का साइड इफेक्ट में ना नाक से रिलेटेड कुछ नहीं है आप आराम से सांस ले पाएंगे बल्कि पहले से बेटर सांस आएगी कोई भी ऐसा लाइफ रिस्किंग कोई चीज़ नहीं होती है बस इसमें जो प्रॉब्लम है जैसा कि मैंने बताया स्वेलिंग और ब्रोजिंग स्वेलिंग बहुत होगी आँखों के नीचे नीलापन होगा मतलब आपके जो मतलब सारा नोज थोड़ा रेड और ब्लू हो जाएगी जो धीरे 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 ठीक हो जाती है अब इसके आई कॉस्ट कॉस्ट पे वो डिपेंड करती है कि आपका कितना काम करना है कोई मतलब कॉस्ट नाइनो प्लास्टिक की फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड से शुरू हो जाती है अगर बहुत ही माइनर ऑल्ट्रेशन है जैसे आला ऑल्टेशन है या सिर्फ थोड़ा सा मतलब दमोनी फ्रेमवर्क चेंज करना है जिसमें हम लोग नाक खोल नहीं रहे हैं तो उसमें का कॉस्ट फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और करीब करीब वन पॉइंट फाइव और टू लाख तक भी नाइनो प्लास्टिक की कॉस्ट जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा हमको नाइनो प्लास्टिक में काम करना है तो आपको जो भी नाइनो प्लास्टिक में आपको अपनी फोटोग्राफ आप हमको सेंड सकते हैं आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें आपको बॉर्डर करती है जैसे हम आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन बता दें और प्रॉपर कॉस्ट और एस्टिमेट दे दें राइनोप्लास्टी प्लास्टिक रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन देनी है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं और आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच